मैं संजय भैया से आग्रह लेकर ये भजन गा रहा हूँ। हमारे आदरणीय संजय भैया ने भजन गाया, मैं उनके जैसा तो नहीं गा सकता लेकिन मेरे भाव मैं बड़े सच्चे मन से गा रहा हूँ। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है।
मजदार में नैया है, मजबूर है भैया है।
इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे लॉकडाउन में मिल रही है, सच कहूँ तो इसी से वो एनर्जी मिल रही है। क्या पता आप लोगों का एक एक जय जय श्री श्याम जो आप लिखते हैं, जय श्री श्याम, ये कोई आसान काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैसेज लिखने में, जय श्री श्याम लिखने में हमारी इंसल्ट होती है, लेकिन जो लिखते हैं वो जानते हैं इससे क्या बूस्टिंग मिलती है। मैं तो ऐसा ये अपना अपना सोचने का नजरिया है। अगर 162 लोग अभी हमारे साथ हैं तो 162 जय श्री श्याम होना चाहिए, तब लगता है कि आप भी कीर्तन में हो, मैं भी कीर्तन में हूँ और सब खूब आनंद करते हैं कीर्तन में। आइए अब जाते जाते बस आज का आखिरी भजन मेरी तरफ से धूम मचाते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी बाबा से एकदम कनेक्ट हो गए, बाबा के प्रति ऐसे भाव आ गए कि मन ऐसे लग रहा है जैसे बाबा हमारे सामने बैठा है। लेकिन बाबा अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखता। अगर आज हम एकादशी के दिन भी अपने अपने घर में बैठे हैं तो इसमें भी हमारी भलाई है और बाबा ने जो सोच रखा है। और बाबा हमेशा, देखिए कोरोना हमारे हिंदुस्तान में आ चुका था जब बाबा का मेला लगा था, लेकिन बाबा ने पूरे मेले में सब श्याम प्रेमी को बिल्कुल बचा कर रखा। दर्शन में थोड़ी सी तकलीफें जरूर हुई लेकिन सबको दर्शन दिए बाबा ने। ये हमारे बाबा की लीला, हम तो उस समय जानते नहीं थे कि ये कोरोना ऐसा रूप लेने वाला है, लेकिन पूरे मेले में बिल्कुल व्यवस्था बनी रही। हमारे मंदिर कमेटी के आदरणीय प्रताप सिंह जी चौहान और हमारे श्याम सिंह जी चौहान, हमारे मोहनदास जी, जितने भी लोग कर्मठ हैं, बहुत अच्छे से मेले की व्यवस्था बना के रखे। और हजारों लाखों श्याम सेवक, जिस प्रकार हम भजन का प्रवाहक बने हैं, ये हमारे आदरणीय नंदू जी के दिए हुए शब्द हैं कि जो भी भजन गायक हो, उसे भजन गायक न कहा जाए, भजन प्रवाहक कहा जाए। तो जो सेवा करते हैं सच में वो भी श्याम सेवक हैं। मेले में बहुत सारे सेवक ऐसे हैं जो बिल्कुल लगे रहते हैं तन मन और तत्परता के साथ।